बाइक दिलाने के नाम पर आदिवासी ग्रामीणों से ठगी करने का एक मामला शहडोल कोतवाली में सामने आया है, जहां उमरिया जिले के बिजोरी ग्राम के दो युवकों से शहडोल के एक रसूखदार युवक ने ठगी कर खुद मंत्री का करीबी बताकर ढोल देता रहा। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मंत्री के करीबी रसूखदार युवक सहित एक अन्य के खिलाफ 420 की अन्य धाराओं के तहत मामला कायम कर लिया है। खास बात यह रही कि ठग का शिकार हुए ग्रामीणों ने ठगी करने युवक के पैसे के लेन देन का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया था, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। उमरिया जिले के ग्राम बिजोरी निवासी सुधीर कुमार चौधरी व बकेली के कोदू लाल चौधरी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है कि अपने खून पसीने की कमाई से दोनों को एक एक बाइक लेना था, जिसके लिए उन्होंने अपने पड़ोस के गांव के रहने वाले मित्र दुर्गेश द्विवेदी से संपर्क किया तो उसने शहडोल के अपने सहयोगी राज सीएस से संपर्क कराकर बाइक दिलाने की बात की, जिस पर राज सीएस ने दोनों ग्रामीण युवकों से पहले तो बाइक फाइनेंस के नाम पर 17,000 रुपए देकर दो बाइक फाइनेंस करा दिया, जिसके कुछ दिन बाद राज सीएस ने दोनों युवकों से बकाया रकम लगभग 84,000 रुपए फाइनेंस कंपनी में जमा कराने के नाम पर ले लिए और जमा नहीं किया। इस दौरान जब कंपनी से बकाया रकम जमा करने के लिए नोटिस आई तो दोनों के होश उड़ गए। ग्रामीण युवकों राज सिंह से पैसे की मांग करने पर खुद को मंत्री का करीबी बताकर धमकी देता रहा, जिससे आहत होकर दोनों ग्रामीण आदिवासी युवकों ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की। पीड़ित युवकों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दुर्गेश द्विवेदी व राज सिंह के खिलाफ धारा 420, 406, 34 के तहत मामला दर्ज कर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह रही कि खुद को मंत्री का करीबी बताकर मंत्री के साथ कुछ फोटो क्लिक कर मंत्री का दोस्त बताने वाले ठग राज सिंह से बाइक के पैसों के लेन देन का दोनों ग्रामीण युवकों ने वीडियो बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। फरियादी कोदूलाल चौधरी और सुधीर चौधरी ने रिपोर्ट किया कि अनावेदक राज सिंह और दुर्गेश द्विवेदी के द्वारा उनके साथ बाइक खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, जिस पर उनके द्वारा पैसे लेकर पैसे जो है एजेंसी में जमा नहीं किया, जिस पर जांच पर से राज सिंह और दुर्गेश द्विवेदी के विरुद्ध धारा 420, 406 और 34 आईपीसी का मामला कायम किया गया है। मामला विवेचना में है, विवेचना पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, हमको सुधीर बुलवाया गया कि बिजोरी में बिजोरी आए हम लोग कि हम शहडोल जाएंगे, तो ये लोग दुर्गेश द्विवेदी के यहाँ गए, दुर्गेश द्विवेदी हमको यहाँ शहडोल भेजा फोन के माध्यम से, तो यहाँ राज सिंह के पास, राज सिंह ने हमको लेके गए एजेंसी, एजेंसी से गाड़ी हमको फाइनेंस करवाया है और फाइनेंस करवा के बाहर पैसा लिया हमसे, मान लो कि 1,17,000 में गाड़ी में फाइनेंस करवा के 18,000 गाड़ी हीरो स्प्लेंडर का दिया है और 15,000 HF डिलक्स का, बाकी दूसरे दिन पैसा हमसे 84,000 नगद कैश ले लिया है, वो पैसा दे नहीं रहा है और फोन से हम बात करें एक दिन तो कह रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना तो कर लो, और धमकी भी दे रहे हैं। क्या धमकी देता है? कहता है कि जहाँ जाना हो, चाहे तुम कोतवाली चाहो चाहे भोपाल चले जाओ, पैसा नहीं मिलेगा, मैं गृह मंत्री के आदमी हूँ, मैं उससे मिला हूँ, मैं वहाँ से कुछ नहीं होगा मेरा। कौन से शोरूम में आपको ले गया था? बिघोर एजेंसी में। हमारे साथ ये हुआ है कि 1,17,000 हमसे पैसा ले लिया गया है धोखाधड़ी करके, राज सिंह इधर नेक नारायण घरौला मोहल्ला शहडोल का, इसने फोन के माध्यम से हमको बुलाया शहडोल, बुलाने के बाद में हमसे 1,17,000 पैसा ले, उसमें से 32,000 रुपया एजेंसी में जमा किया, एक ठो गाड़ी एच एफ डिलक्स का 15,000 और स्प्लेंडर प्लस का कोदूलाल के नाम से गाड़ी है वो उसका 18,000 और बाकी वो पैसा 84,000 रुपये वो खा के बैठ गया है, पैसा एजेंसी में जमा नहीं कर रहा है। तो अब जब पैसे के लिए बोल रहे हो तो क्या बोलता है? पैसे के लिए बोलते हैं तो कहता है कि मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं गृह मंत्री के साथ में बैठता हूँ, टीआई साहब ने कोतवाली साहब थाना के अंतर्गत बात की है, साहब कोतवाली टीआई साहब को बोलता है कि गृह मंत्री जी से बात करवाऊँ आपका, नरोत्तम मिश्रा जी से धमकी दे रहा हूँ हमको, बोल रहा है कि व्यर्थ में आप लोग परेशान हो, आपको पैसा नहीं मिलेगा, परेशान हो आप रहे आइए, मैं पैसा नहीं दूंगा। उसके जब हम लोग पैसा दिए उसको वीडियो भी बना के रखी हैं, वीडियो बनाने के बाद में स्टाम्प में लिखित भी लिए हैं, नोटी करवा के आप लिखित दीजिए हमको कितना हम लोग पैसा दे रहे हैं, उसका स्टाम्प करके नोटी सिग्नेचर करके सब दिया है हमको। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।